करती हूँ, आप लोग अच्छे होंगे। और झाड़ू पोछा वगैरह पूजा सब जो भी काम सुबह का था सारे हो चुके हैं। अब चलिए बनाते चाय। चाय चढ़ा दी है मैंने, सुबह सुबह चाय पी लो उसके बाद आगे काम स्टार्ट करते हैं। चलिए चाय बनाते हैं और सब लोग साथ में पीते हैं। आप भी आ जाइए, आप भी पीजिए हमारे साथ चाय। चीनी हो गई खत्म, निकालनी पड़ेगी। चाय हमारी बन गई है, आ जाइए आप लोग भी पीजिए हमारे साथ चाय। मैदा 10 मिलीग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है मीठा वाला, 1 चम्मच डालेंगे पीसी चीनी, 1 रिफाइंड, 1 नमक। चलिए ये बनाने जा रहे हैं हम पिज्ज़ा, मैंने कभी बनाया नहीं है, देखते हैं कैसा बनता है। उसके लिए मैं बेस बनाने के लिए मैदे को जो है गूंथ के रखूंगी, देखते हैं बनता है नहीं बनता है। डर लग रहा है मगर लग रहा है बन जाएगा, डर के आगे जीत। चलिए बहुत रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद अभी कन्फर्म नहीं है कैसा बनेगा। चलिए अच्छा बनेगा तो फिर अगले दिन आपके साथ रेसिपी शेयर कर। यहाँ पर मैंने एक लोई लेके उसको अच्छे से गोल गोल बेल लिया है, मोटा रखना है थोड़ा सा। उसके बाद इसमें कांटे वाली चम्मच से थोड़ा थोड़ा गोद देते हैं, थोड़ा छेद जैसे कर देते ताकि ये पिज्ज़ा फूले। देखिए मैं कर रही हूँ, और इसके बाद इस पर लगाएंगे पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा सॉस रखी थी, पिज्ज़ा सॉस लगाने के बाद शिमला मिर्च है उसको बीच बीच में लगा देंगे। जो भी वेजिटेबल्स आपके पास हों आप खाते लगा दो। प्याज लगाते हैं बट हम लोग प्याज खाते नहीं, तो फिर प्याज लगाया नहीं, तो हमने लगाई इसमें शिमला मिर्च। देखने में तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं बनेगा कैसे। थोड़ी सी गाजर पनीर डालो, जो भी गाजर और क्या नाम, और थोड़े से पनीर की डाल लेंगे। बस 3 चीज़ें मैंने डाली थी, गाजर पनीर शिमला मिर्च। इसके ऊपर डाल देंगे, मैंने पनीर कस के लगा दिया था ताकि अच्छे लगे। और इसके ऊपर डाल देंगे चीज। देखिए देखने में तो अच्छा लग रहा है। चलिए इसको मेरा लमसम 20-25 मिनट में बन गया है, इसको निकाल लेते हैं फिर सबको देते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन मिलता है। तब तक दूसरा वाला जो है उसको भी डाल के रख देंगे और कढ़ाई बंद कर देंगे। आप तो पिज्जा खाते भी नहीं थे, आप तो बार बार ले रहे हो। हमें मॉल में रेस्टोरेंट में कहीं भी इतना लजीज पिज्जा नहीं मिला। अच्छा ये मस्त थैंक यू सही में, बहुत बढ़िया बना। 100 में 100 पापा कभी भी नहीं खाते थे, चाहे जहाँ से मंगा लो जितना अच्छा मंगा लो पापा नहीं खाते थे। आज पापा बोले इतना सॉफ्ट कहीं नहीं होता, ये बहुत सॉफ्ट है। थैंक यू वो मम्मी मैं अलग खुश है। थैंक यू की लाइन लगा दी, मैंने पहली बार बनाया बहुत अच्छा बनाया।
चालान है, तीन गाड़ी चल रही है। पता हम आप चालान कहके दे रहे हैं। सो गाइस, आज मेरा मन था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो आज मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ। अभी पहली बार मैंने किसी से पूछा था ये बनाने के लिए, उन्होंने बहुत बढ़िया था ये, तो मैं उन्हीं के बेसिक का आज बनाने जा रहा हूँ। इसको दूध को डालेंगे इसमें, अब मैंने इसमें दूध डाल दिया। मैं इसमें डालूंगा पीसी चीनी, अगर मेरे पास पीसी चीनी ना होती तो मैं नॉर्मल चीनी डालता और मिक्सी में से मिक्स कर लेता, पर मेरे यहाँ पीसी चीनी थी तो मैं पीसी चीनी डालूंगा। और ना आप वैसे बना के ना पीसी चीनी कर लेते, नॉर्मल सा भी आ जाएगा बनाने के लिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे जो हमने चीनी डाली इसमें, अभी मिक्स हो चुकी है। कैसी बनी है? करते हैं इस ब्लॉग के एंड। मम्मी लोग पीछे पी रही हैं कोल्ड कॉफ़ी, माधव हमारे बैठे झूला झूल रहे हैं। अभी उन्होंने खाना नहीं खाया, खाना हम लोग बाद में खाएंगे। वैसे गर्मियों में ज़्यादा रात में कोई खाता नहीं है, तो बस यही हमारा खाना हो गया रात का। चलिए मिलते हैं आप सबसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा।